फेज वन से फेज थ्री तक सपोर्टिंग कैरेक्टर बना के रखा। फुटेज दिया लेकिन फोकस नहीं। सोलो मूवी दी तो वो भी मरने के बाद, और साला उसमें भी चूतिया बना दिया। और इसी के साथ कहानी शुरू होती है 1995 से, जहां ये एलिस की बेटी अपनी बहनिया के साथ योगा कर रही है, और पीछे से आती है रेचल वाइस द मम्मी और लेके जाती है इनको डिनर के लिए। फिर एंट्री होती है अपने हेल बॉय द पप्पा की, लेकिन पप्पा जी हैज सम बैड न्यूज, तो बोरिया बिस्तर बांध के 9-2-11 कार्यक्रम शुरू। और 9-2-11 होके ये लोग जाते हैं किसी कोपचे में और अपना प्राइवेट जेट लेके निकल ही रहे होते हैं कि तभी आती है शीन और राड़ा शुरू। लेकिन ये लोग बोले चलाओ जो जय श्री कृष्णा, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाय बाय नहीं होते तो मूवी बनाने का पॉइंट ही नहीं रह जाता ना। तो प्राइवेट जेट में अय्याशी करते हुए ये लोग पहुँचते हैं क्यूबा, और एंट्री होती है मूवी के विलेन की। अच्छा, तो ये लोग रशियन जासूस थे, बॉय ओ बॉय। तो सिंस द मम्मी को लगी थी गोली तो उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल आई होप, और दोनों बच्चियों को नॉकआउट करके करते हैं तस्करी। कट टू 21 साल बाद, सिविल वॉर के जस्ट बाद, ये बुड्ढा आया है अपनी स्कारलेट। बेटा, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोना से दिस, अपनी स्कारलेट। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ठीक है यार, हो जाती है भावनाओं में बह के गलती। अच्छा हाँ जी, तो ये आया है स्कारलेट को गिरफ्तार करने, लेकिन चुतिया बनने आया, बड़ा मजा आया। मैडम जी तो शिप पे हैं ब्रो, जा रही है छुट्टियां मनाने। समझे, छुट्टियां छुट्टियां। मीनवाइल यहां मोरक्को में काली विधवाओं की टोली आई है एक्स विधवा को पकड़ने, लेकिन राड़े में एक विधवा मार दिया येलेना विधवा के मुंह पे लाल पाद, और आगे मैडम जी के होश ठिकाने। मित्रों, किसी का भी बंद दिमाग फिर से स्टार्ट करना हो तो टेक सम नोट्स। इस तरफ अपनी विधवाओं की विधवा जाती है नॉर्वे, लाइक आई सेड, छुट्टियां मनाने, और मिलती है अपने दोस्त स्लैश खबरी स्लैश डीलर स्लैश पेडलर स्लैश फर्जी काम करने वाले लौंडे से, जो देता है इसको राशन पानी लाइक नकली पासपोर्ट, नकली ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। मत खाओ वगैरह, मेरा नहीं, डॉक्टर्स का कहना है बे। एनीवे, तो रात को हो जाता है जनरेटर का फ्यूल खत्म, तो मैडम जी जाती है फ्यूल लेने, लेकिन बूम, भैया पहले आया टास्क मास्टर, तो ऑब्वियसली राड़ा शुरू, और अपनी स्कारलेट को पेल दिया भाई, पेल दिया सीधा छाती पे। लेकिन मैडम जी ने बस्ते में से माल पहले ही निकाल लिया था, और माल में है लाल पाद, सेंट विद लव फ्रॉम येलेना विधवा, एके लिटिल सिस्टर, छोटी विधवा बिचेस। तो अब मैडम जी जाती है बुडापेस्ट, मिलती है अपनी बहनिया से, लेकिन प्रॉपर मुलाकात से पहले करती है मुकालात। नहीं नहीं, अरे रुक क्यों गए, अरे मार दो, अरे खत्म कर दो ना मूवी यहीं पे, खत्म कर दो। एनीवे, तो छोटी विधवा देती है स्कारलेट को उसकी लाइफ का प्लॉट ट्विस्ट, कि सालों पहले धनुष मानुष के साथ मिलके इसने जिस काली विधवाओं के ठेकेदार को आर आई पी पीस किया था, वो तो अभी भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कि तभी वंस अगेन आती है वहां पे काली विधवाओं की टोली और चेस शुरू। तो आधे शहर की पब्लिक प्रॉपर्टी की गांड मार के 20,000-30,000 लोगों की गाड़ियां ठुकवा के, खुद की गाड़ी बम से उड़वा के, ये लोग जाके गिरते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। मारे डालोगे क्या भेंचोद, अब क्या हाँ, फबला गया अभी। लेकिन ये लोग चूतिया बना के छुप जाते हैं, और देते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक, जहां पे अपनी स्कारलेट विधवाओं के ठेकेदार को बम से उड़ा देती है, उसकी बेटी समेत साबुत का साबुत। लेकिन अफसोस, बच गया साला। तो मास्टर प्लान बनाने से पहले ये लोग बैठ के करते हैं थोड़ी बॉन्डिंग, फिर चुराते हैं एक महंगी कार, अपने इल्लीगल दोस्त से उठाते हैं बकायदा एक हेलीकॉप्टर। मीनवाइल इस तरफ बाहर गांव की तिहार जेल में बैठा है अपना लाल चौकीदार, लड़ा रहा है पंजे और सुना रहा है अपनी जवानी के किस्से चार। तो आती है इसके लिए चिट्टी, और चिट्टी में कान की मशीन, और विधवा सिस्टर्स करती हैं दी अल्टीमेट प्रिजन ब्रेक। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Well, भाई की याद सी आ गई यार। एनीवे, तो हेल बॉय द पिताजी देते हैं विधवा सिस्टर्स की लाइफ का दूसरा प्लॉट ट्विस्ट, इनकी अम्मा भी जिंदा है। तो अब जाते हैं ये लोग रेचल वाइस द मम्मी से मिलने, एंड फैमिली रियूनियन टाइम। तो मम्मी जी बताती है कि बेटा देखो हमारा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, तो उठा ली हमने लड़कियां और बना दी विधवा फैक्ट्री, कर लो क्या कर लोगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
तो आपस में बैक स्टोरी और बॉन्डिंग करते करते मोहतरमा विलन को खबर भी कर देती है। तो आता है टास्क मास्टर इनको उठाने एंड बूम, चलो फिर से तस्करी करने। तो फाइनली पता चलता है कि विलन जिंदा है क्योंकि वो अपने घर पे कभी था ही नहीं, वो तो इस उड़ंत अस्त्री में बैठ के लड़कियों की तस्करी करता था ब्रो। तो मम्मी जी जाती है विलन को अपडेट देने, पिताजी और स्कारलेट को बंद करते हैं काल कोठरी में और बेचारी येलेना विधवा को लेके जाते हैं दवाखाने। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, मम्मी जी असल में है विधवाओं की विधवा और ये विधवा है मम्मी जी। तो जब तक ये विलन हर टिपिकल विलन की तरह अपनी बकचोदियों के सर और पैर लगा के दे रहा है तब तक बाकी की फैमिली करती है एस्केप। एंड येट अगेन एक और प्लॉट ट्विस्ट, टास्क मास्टर कोई और नहीं विलन की वही बेटी है जिसे स्कारलेट ने सालों पहले बम से उड़ाया था। वाह वाह बेटे वाह 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 वाह। तो ये लड़कियां उठाने वाला तस्करी बाज आदमी बड़े ही कॉन्फिडेंस में आके भेज देता है अपनी बेटी को काम पे। तो स्कारलेट निकालती है बंदूक तुरियां तुरियां, लेकिन अफसोस न गोलियों की बौछार से न चाकू की धार से, कुछ देर रुको ये बंदा मारेगा बड़े प्यार से। तो भाई साहब एक और प्लॉट ट्विस्ट, ये आदमी बताता है कि अच्छो री तू ना मार सके मने, अरे ऐसा सिस्टम बिठाया है कि कोई भी विधवा जो मुझे सूंघ ले तो मार ही ना पाएगी, हाईटेक सिक्योरिटी है भाई। तो मैडम जी दिखाती है इसको आंख, तो ये बोलता है आंख दिखाता है मादर जात, देता है इसको चमाट। एंड ऑब्वियसली ये विलन है और सामने हीरोइन है, तो बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ विलनिज्म ये बताता है इसको अपना सारा कच्चा छिट्टा, देता है अपनी विधवा फैक्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन। बस फिर स्कारलेट को इसी का तो इंतजार था क्योंकि एक और प्लॉट ट्विस्ट, जैसे ब्लैक विडो ना हुई सारा रेस 3 हो गया। अपनी विधवाओं की विधवा को ऑलरेडी पता था कि इस चूतिए का परफ्यूम सूंघ लिया तो इसको मार नहीं पाएगी, तो मैडम जी तोड़ती है अपनी नाक और बस इसको आरआईपी इन पीस करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पे आती है इंटर्न विधवाओं की टोली और अब ये लोग इसको आरआईपी इन पीस करने जा रहे होते हैं कि तभी वहां पे आता है लाल बाद और एंड वेल निकल गई सब एक रीन की सब एक रीन। तो स्कारलेट चुराई हुई अंगूठी से करती है डेटाबेस अनलॉक, निकालती है सारी इंफॉर्मेशन और Meanwhile, मम्मी विधवाओं की फैक्ट्री क्रैश करके और पप्पा टास्क मास्टर से राड़ा करके निकलते हैं फिर से प्राइवेट जेट लेके, लेकिन वो भी क्रैश। इधर ये तस्करी बाज आदमी फरार होने जा ही रहा होता है कि छोटी विधवा आती है और इसके प्लेन में लाठी से उंगली करती है एंड बूम, अब बुढ़ा तो गया अब तुम क्या करोगे। बट नॉट टू फियर, सुपर हीरो मूवी है तो एस्केप प्लान इज हियर। कि तभी पीछे से आती है टास्क मास्टर और हवाई राड़ा शुरू। लेकिन वंस अगेन सुपर हीरो मूवी है तो कुछ भी दिखा दो यार, सब चल जाता है। तो कर लिया दोनों ने ऑलमोस्ट सेफ लैंडिंग एंड फाइनली अपनी स्कारलेट टास्क मास्टर का हेलमेट उतार के छोड़ती है इस पे लाल पाद एंड वेल। तो आते हैं माताजी पिताजी और छोटी विधवा, करते हैं थोड़ी सी बॉन्डिंग, पीछे से आती है इंटर्न विधवाओं की टोली और सारे रियूनियन करके 9-11 हो लेते हैं। लेकिन स्कारलेट हैज सम अनफिनिश्ड बिजनेस तो वो छोटी विधवा का बनियान क्या वेस्ट, अबे तो वेस्ट मतलब बनियान, बनियान मतलब गंजी, एक ही बात है, लेके रुक जाती है मूवी के स्टार्ट वाले बुड्ढे से हिसाब किताब करने। एंड आई डोंट नो हाउ शी गॉट अवे फ्रॉम इट, लेकिन बच बचा के मैडम जी थोड़ा सा हाई टेक जेट लेके कट लेती है फॉर वकांदा। एंड आल्सो पोस्ट क्रेडिट सीन में ये झोल भरी औरत आती है और छोटी विधवा को बताती है कि तेरे बहन को मारने वाला लौंडा था धनुष मानुस मानुस मानुस, तो बेटा लग जाओ फेज 4 के काम पे। एंड फाइनली मूवी खत्म और पैसा डिज्नी के पास। इस मूवी का नाम ब्लैक विडो की जगह स्कारलेट एंड द विधवा फैक्ट्री फीचरिंग डिसफंक्शनल फैमिली होना चाहिए था। सेंस बन ही जाता ब्रो, सुपर हीरो मूवी है, सेंस नहीं बनता तो क्या बनता। एंड पो तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई तो दुआ करना कि डिज्नी केस हार जाए और इसी बात की दुआ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।